अब हम थ्री क्वेश्चन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कर रहे हैं बाय इंटीग्रेशन मेथड से। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है, आप समझो या थोड़ा बहुत आपको रटना भी पड़ सकता है, बट मैंने इंटीग्रेशन जैसे समझा दिया है तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो देखो जो तीन इक्वेशन कौन कौन सी होती हैं, एक होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस। वी हैव थ्री इक्वेशंस ये। अब इसमें बच्चों ये तीन इक्वेशन है हमारी, तो पहले हम ये वाली डिराइव कर लेते हैं। तो देखो बच्चे एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, यही होता है बच्चों। अगर हम इसको इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, ए डी टी इज इक्वल टू डी वी। मान लो कोई बॉडी मोशन में है, इधर देखो बच्चे स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी यू थी, क्या थी यू। अब अगर उसको एक्सेलरेट कराएं तो एक्सेलेरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मान लो पहले उसकी वेलोसिटी यू थी, कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी, और मान लो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऐसे है टी टाइम में ऐसा हुआ। तो जब इंटीग्रेशन करोगे यहाँ तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, यू से लेके वी तक, और टाइम कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, जीरो से लेके टी तक। देखो अच्छे हमने जब आपको पढ़ाया था, देखो एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, लिमिट जीरो से टी हो जाएगी, और डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, लिमिट्स क्या हो जाएंगी, यू टू वी। फिर मैंने आपको बताया कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा बच्चे आगे बताएंगे तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारी आगे इक्वेशन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों इसके बाद, ठीक है। तो हम अपनी नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं जो कि है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करें बच्चों। देखो अच्छा वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, कोई डाउट किसी बच्चे को, ठीक है। और हमने ये जाना कि v की वैल्यू क्या होती है, u प्लस ए टी होती है, u प्लस ए टी लिख सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा, अच्छा dx क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी डी टी, ठीक है। तो इसको इंडिविजुअल इंडिविजुअल कर देंगे क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। अभी लिखना नहीं बच्चों, देखते रहो, लिखने का हम आपको बिल्कुल मौका देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। पोजीशन कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, जीरो से लेके एस, और टाइम कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, जीरो से लेके टी। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स जीरो से लेके एस तक। यू डी टी में यू कॉन्सेंट है, कॉन्सेंट बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी जीरो से लेके टी तक। ए टी डी टी में ए बाहर आ जाएगा, टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाय टू। जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन नहीं सीखा है ढंग से दोबारा देख लेना बच्चे वीडियो वगैरह, अगर कोई दिक्कत हो रही हो। और यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, हो जाएगा एस माइनस जीरो, ये हो जाएगा यू टी माइनस जीरो, ये हो जाएगा ए बाय टू टी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब हमारी लास्ट इक्वेशन है जो कि क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस, ये हमको करनी है, करें बच्चों। ये भी लिखने का हम टाइम दे देंगे आपको। तो देखो अच्छा ये इक्वेशन हम यहाँ चालू करते हैं, हमारे पास स्पेस यहाँ है। एक्सेलेरेशन क्या होता है बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। एक्सेलेरेशन क्या होता है बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है। देखो बच्चे एक्चुअल में क्या है कि एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अच्छा अगर मान लो इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ऐसे लिख सकते हैं, खैर ऐसा बोलते तो नहीं है बट ऐसा कर देते। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, ठीक है। अब एक काम करते हैं अच्छे, इसको इधर ले जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी। इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से लिमिट्स लगा देंगे बच्चों, लिमिट्स लगाएंगे, इसकी लिमिट्स क्या होंगी, जीरो से लेके एस, और इसकी होगी यू से लेके वी, क्योंकि वेलोसिटी इनिशियली यू थी, अब फाइनली क्या है, वी है। ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स, लिमिट्स होंगी जीरो से लेके एस, और वी डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाय टू, लिमिट्स होगी यू टू वी, ये हो जाएगा एस माइनस जीरो
ये 1/2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। खैर देखो अच्छे, वैसे तो अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, पर थोड़ा बहुत अगर आप याद भी थोड़ा रख लो तो कोई बुरा नहीं है, बट मेन चीज़ें अंडरस्टैंडिंग की होती है। ठीक है,